नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरु जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको साहीवाल गाय की पहचान के बारे में बताते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कैसे आप आसानी से साहीवाल गाय की पहचान कर सकते हैं। लाइव मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाय के माथे और सींगों की। गाय के सींग छोटे आकार में, छोटे किंतु चौड़े होते हैं। इसका माथा लंबा लेकिन एवरेज औसतन चौड़ा होता है। अब इसकी मुख्य पहचान देखिए, इसके जो कान होते हैं थोड़े लंबे होते हैं और कानों का जो सिरा है उसके ऊपर एक काली सी रेखा आपको दिखाई देगी। आंखें इसकी चमकदार होती हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काजल लगाया गया हो। गर्दन की लंबाई औसत होती है, एवरेज होती है। और इसकी सबसे बड़ी जो पहचान मानी जाती है वो ये, इस स्किन का ढीलापन माना जाता है। इसको चादर भी बोलते हैं कुछ लोग। ये स्किन अन्य गायों की तुलना में इसकी ज़्यादा लंबी और ढीली होती है। ये इसकी एक मुख्य पहचान के रूप में मानी जाती है। इसके पैरों की बात करें, इसकी टांगों की लंबाई एवरेज होती है। और इसकी जो पहचान है, खुर के ऊपर का हिस्सा यहाँ से आप देख पाएंगे, एक काली धारी लिए हुए होता है। अब आते हैं, देखिए इस गाय को इंग्लिश में हम्प बोलते हैं। इस हिस्से को ये उभरा हुआ दिखाई देगा, कहीं इसको थुई कहीं थुंब भी बोलते हैं। इसके कलर की बात करते हैं तो इसका रंग गोल्डन कलर इसका होता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इसके ऊपर सफेद धब्बे भी हो सकते हैं। गाय के पिछले हिस्से से इसकी जो पहचान करते हैं तो इस हिस्से को, जिसको आप देखिए लाइव देखिए, योनि कहते हैं, इसका रंग काला होता है। पूंछ इसकी लंबी होती है। इसके थन आगे के थनों का हिस्सा, आगे के दो थन लंबे होंगे और पीछे के दो थन छोटे होंगे। और इसकी, जैसे मैंने बताया था कि गर्दन की खाल अन्य गायों की तुलना में ज़्यादा लंबी और लटकी हुई होती है। ये एक इसकी मुख्य पहचान। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी मुख्य पहचान वो इसका, जो आप देख रहे होंगे, इस हिस्से को सूंड बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा लंबा होगा और चार उंगल के आसपास नीचे से चौड़ा होगा। ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी पहचान है। गाय शांत से, स्वभाव से बड़ी शांत होती है, बड़ी मिलनसार होती है। आप जितना इसके पास रहेंगे, जितना अच्छे से इसको खिलाए पिलाएंगे, उतना ही अच्छा है दूध देती है। इसकी औसतन दूध उत्पादन की क्षमता 300 दिन के हिसाब से यदि हम काउंट करते हैं तो 2700 से 3200 लीटर इसकी 300 दिन के अंदर दूध उत्पादन क्षमता है। और मैक्सिमम 4200 लीटर तक यह दूध एक ब्यांत में दे सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद जो तरह तरह की भ्रांतियाँ साहीवाल काऊ के बारे में है, साहीवाल गाय के बारे में है, इससे मिलती जुलती ही लाल सिंधी और राठी गाय होती है, तो कई बार कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो जो ये विशेषताएं इसमें बताई हैं, यदि आप इन्हें ढंग से देख पाए होंगे तो आप साहीवाल गाय को आराम से पहचान पाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।